बेटा है या फिर कह सकते हैं दूसरा भी है, अगर दूसरा भी होता तो वो भी उसको भी फौज भेजने के लिए माता पिता तैयार रहते। तो बिल्कुल देख सकते हैं जो आसपास के गांव के लोग हैं, जो आसपास के जो गांव लगते हैं उन गांवों से लोग आए हैं और बिल्कुल सम्मान के साथ में उनको लिया जा रहा है। तो जो उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल राज के सम्मान के साथ में किया जाएगा और इनकी जो उम्र बताई जा रही है वो 21 वर्ष है और लगभग 2-2.5 साल पहले ये सेना में भर्ती हुए थे और इनके पिताजी भी कारगिल में रह चुके हैं, वो भी गोली लगने से घायल हो चुके थे तो वो भी सेवानिवृत्त है। और देखो एक इकलौता भाई था 3 बहनों का, तो एक अकेला चिराग था ये घर का जो अभी देश के लिए शहीद हो चुका है, यानी इकलौता पुत्र था भाई जो जयवीर मलिक है जो उनके पिताजी है। तो बिल्कुल देख सकते हैं जो देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं तो उनका किस तरह सम्मान के साथ में लिया जा रहा है। और जो आतंकी हमला हुआ है ये जम्मू कश्मीर के राजौरी में, तो लगभग 4 हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी है और देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा संख्या में उसको राजकीय सम्मान के साथ में लाया जा रहा है। तो 19 वर्ष के आसपास लगभग वो सेना में भर्ती हुए थे और उनके पिताजी ने बताया है कि लगभग दिसंबर या जनवरी में उनकी एक छोटी बहन है उसकी शादी करनी थी। तो 3 बहनें 2 की पहले शादी हो चुकी है और एक बहन बची हुई उसकी शादी अभी दिसंबर या जनवरी में होनी थी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो देशभक्ति संगीत भी चल रहे हैं और हाथों में तिरंगा है और जो पार्थिव शरीर है वो पीछे आने लग रहा है, निशांत मलिक का जो पार्थिव शरीर वो पीछे आने लग रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बड़े काफिले के साथ में जो आसपास के गांव थे वो गांव के लोग आए हैं और गाँव के नहीं लगभग पूरे देश से लोग पहुँचते हैं। अगर ऐसा अगर कोई शहीद होता, हमारे देश का जवान शहीद होता तो पूरे देश से लोग पहुंचते हैं, उसको श्रद्धांजलि देते हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं यानी पूरा रोड जाम है, लगभग कई किलोमीटर लंबा रोड है, ये पूरा जाम हो चुका है। तो देख सकते हैं किस तरह सम्मान के साथ में जो पार्थिव शरीर उसको लिया जा रहा है और जो पैतृक गाँव है डंडेरी, तो डंडेरी में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और लगभग 20 साल से उसका परिवार है, वो परिवार हांसी में रह रहा था लेकिन जो पैतृक गांव है पैतृक गांव में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और देखो रक्षाबंधन वाले दिन ये शहीद हुए निशांत सिंह और उससे एक दिन पहले उनकी बहनें हैं जो उन्होंने वीडियो कॉलिंग पर बात की थी, तो जो रक्षाबंधन यानी राखी वाले दिन उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है, तो कोई भी कॉल वगैरह करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो पाई है। तो पता चला उनके पिताजी को पता चला कि इस तरह से जो निशांत मलिक है वो शहीद हो गया है। तो लगभग 4 शहीद हुए हमारे देश के जवान, तो बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल सम्मान के साथ में यानी राज के सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो पैतृक गांव है उनका डंडेरी हांसी के नज़दीक लगता है, तो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देखिए पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था बनाने लग रहा है, तो हांसी पुलिस है वो भी लगभग साथ में चल रही है, बिल्कुल देख सकते हैं। और देखो आप देख सकते हैं कि युवा है, युवा बाइकों पर आए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में युवा पहुंच रहे हैं और हाथ में तिरंगा है यानी तिरंगे से प्यार है और बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत से गांवों के लोग पहुंचे, बहुत से युवा पहुंच रहे हैं, यानी एक फौजी को कितना सम्मान दिया जाता है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए ये पार्थिव शरीर उनका नज़दीक ही पहुँच चुका है, तो ये गांव में आने से पहले ही हम आपको दिखा रहे हैं जो गांव के एंट्री पर ये दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं जो पार्थिव शरीर है वो इस गाड़ी में है, जो सेना की गाड़ी है इस गाड़ी में आ चुका है, तो 12 नंबर ये गाड़ी है। निशांत मलिक का जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है, यानी अभी थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहले इसको हांसी ले जाया गया था, जो जहां पर इसका मकान है उस मकान में ले जाया गया था और अब जो पैतृक गांव है उस पैतृक गांव में
ले जाया जा रहा है डंडेरी में, और वहीं पर इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पानी की व्यवस्था भी है ताकि गर्मी ज़्यादा है और पानी वगैरह भी पीते रहे, तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो सेना के जवान भी साथ में है। निशांत मलिक, गांव डंडेरी, जिला हिसार, अंतिम यात्रा। तो बिल्कुल देख सकते हैं जो पार्थिव शरीर है वो चल रहा है। तो ये देख सकते हैं STN CDR जम्मू, जब तक सूरज चांद रहेगा निशांत मलिक तेरा नाम रहेगा। तो अभी ये कई गांव लगते हैं आसपास है, देपल है, रामायण है, नडेरी, ये आसपास के गांव है। इन गांव से इसको पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और फिर जो डंडेरी है डंडेरी में ले जाया जाएगा और वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से आप साफ साफ देख रहे हैं कि फौजी से कितना प्यार करते हैं, फौजी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे देश में फौजी की क्या वैल्यू है ये बताती है, ये संख्या बताती है। वो कई बार स्टेटस चलता है, एक बहुत अच्छा लगता है कि SBI का खाता नहीं बताता कि के कमाया है, या संख्या बतावा है कि इस बंदा ने के कमाया है। तो ये हमारे देश का जवान फौजी था तो इस यो कमाया है। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में युवा भी है, बुजुर्ग भी है, मातृशक्ति भी साथ में चल रही है। तो बहुत ज़्यादा लंबा काफिला चल रहा है, बिल्कुल देख सकते हैं। ये रामायण गांव है, रामायण डंडेरी ये इकट्ठे गांव में लगभग लगता ही है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, बिल्कुल जाम लग रहा है। और जो पार्थिव शरीर है वो पार्थिव शरीर आगे जा चुका, आगे की तस्वीरें हम आपको बाद में दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।